बेटा हम अपना 10वीं क्लास का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर में शुरू करने तो पहला तुम्हें कुछ दसन जो गल्लां जिहड़ियां दसन वालियां ने वो दस रहे हैं। बेटे जेकर साडा ऑब्जेक्ट जिस वस्तु नूं असीं देख रहे हैं वह वस्तु उपर किते है तो असीं नीचों देख रहे हैं, ठीक है ना, धरती ते खड़े किसी बिंदु तो जे असीं उपर किसी वस्तु नूं देख रहे हैं ये साडी लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा, ठीक है ना। तो इस दृष्टि रेखा ते धरती नाल जिहड़ा कोण बनता है इस कोण नूं कहिंदे हां एंगल ऑफ एलीवेशन, उच्चान कोण, ठीक है ना, उपर नूं देखदा होया बनाया होया कोण। लेकिन जेकर साडा जिहड़ी वस्तु है वह धरती ते पई है ते असीं किते उपर खड़े हाँ ते हुण उपरों जे थले किसी वस्तु नूं देखा जा रहा है जिवें कि आपां किसी घर की छत ते खड़े होके थले किसी गाड़ी नूं जां किसी साइकिल नूं देखदे हाँ तो हुण उपरों थले नूं बनती है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा उपरों थले आ रही है तो कोण तो हमेशा होरिजेंटल लाइन नाल ही बनता है, इस गल का ध्यान रखना है। तो इत्थे होरिजेंटल लाइन आपां फिर सिधे बनानी है तो इस कोण नूं कहा जाता है निवान कोण, एंगल ऑफ डिप्रैशन। बस इस गल का ध्यान रखना है कि जे तुसीं थलों उपर नूं देख रहे हो तो उच्चान कोण बनेगा, जे उपरों थले देख रहे हो तो निवान कोण बनेगा। इस तो इलावा होर एक गल की जानकारी की लोड़ है, तुहानूं ध्यान दिखना है सानू एक टेबल पता होना चाहिए बेटा इस वास्ते जिहड़ा कि असीं 8वें चैप्टर दे विच भी कीता होएगा। टेबल की है, देखो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ते 90 डिग्री, 5 तरह के साडे कोल थीटे ने 0, 30, 45, 60 ते 90, तो तुसीं याद करना है। तो साडे कोल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंदे ने बेटा, 6, हाँ जी बिल्कुल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ने। पहला है तुहाडा साइन थीटा, देखो ध्यान नाल मैं लिखा SIN साइन, सिन नहीं बोलना इहनूं, साइन थीटा, इहनूं कॉज थीटा, COS मीनस कॉज, पूरा नाम है कोसाइन, ठीक है, बट असीं इहनूं कॉज बोलदे हाँ। टैन, इहदा पूरा नाम टेंजेंट हुंदा है बट असीं इहनूं टैन ही बोलदे हाँ, TAN टैन थीटा। कोसीकेंट, इहदा पूरा नाम है कोसीकेंट, कोसेक बोलदे ने तुसीं बट कोसीकेंट इज़ द नेम इज़ कंप्लीट, कोसीकेंट थीटा, इहदा नाम है सीकेंट थीटा, देखो ना दोनों एक दूजे सेम है ना, को सीकेंट, फिर एक ही है सीकेंट। तो अगला है साढ़े कोट थीटा जिसका पूरा नाम है कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट कोटेंजेंट, एक दूजे साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, इस तरीके ने याद कर सकते हो। साढ़े को 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो अलावा हो ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन नहीं होंगे है। हूँ इन दैल्यूज़ 0, 30, 45, 60, 90 की होंदिया ने यह सीखना साढ़ा बहुत जरूरी काम है। इसमें मैं याद कराने लिए तुम्हें की कराने, ध्यान देखो वर्गमूल दे विच तुसी 0/4 लिखना है, 1/4 लिखना है, 2/4 लिखना है, 3/4 ते 4/4। देखो बहुत ही सौखे तरीके ना मैं तुम्हें याद करा रहा कि तुसी वर्गमूल दे विच की लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 ते 4/4। हुण तुसी कटिंग करनी है बेटा, 0 ते 4 की कटिंग नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, यदि होंगी है बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी नहीं होंगी, यदि होंगी है एक कट गया। हुण साढ़े को बच गया वो देखना है, 0/4 हमेशा 0 होंगे तुम्हें सारे पता है, 1 का वर्गमूल 1 होंगे है, 4 का वर्गमूल 2 होंगे है। हुण उपर की बचा है 1 का वर्गमूल तो 1 ही होंगे पर 2 का वर्गमूल नहीं होंगे इस करके 2 वर्गमूल के ही रहेगा, 3 का वर्गमूल नहीं होंदा इस करके 3 वर्गमूल विच ही रहेगा, बट 4, 2 वर्गमूल 2 होंदा है, 1 का वर्गमूल 1 होंदा है। इस तरह असी साइन 0 डिग्री साढ़े को 0 होंदा है, साइन 30 डिग्री 1/2 होंदा है, साइन 45 डिग्री 1/2 वर्गमूल 2 होंदा है, तो साइन 60 डिग्री साढ़े को वर्गमूल 3/2 होंदा है, तो साइन 90 डिग्री 1 होंदा है। हुण कोस कितना पता करते हैं, पिछों आंसर लिखना शुरू कर दो, लास्ट आंसर साढ़े को 1 आया है, उस तो बाद वर्गमूल 3/2 है, उस तो बाद 1/2 वर्गमूल 2 साडा आंसर है, उस तो बाद 1/2 है, तो उस तो बाद 0 है। बहुत ही सौखे ढंग ने असी कॉस का फॉर्मूला याद कर लिया है। हुण आपां टैन का फॉर्मूला याद करांगे, टैन किदां, टैन विच तुसी साइन ते कॉस दे अंश न्यूमीरेटर्स लिखने ने, बस 0/1 0 होंदा है, सिर्फ अंश बटा उपरला रकम 1 ते वर्गमूल 3 1/वर्गमूल 3, उपर भी एक तो 1/1 1 ही होंदा है, वर्गमूल 3/1 वर्गमूल 3 ही होंदा है, 1/0 जिहड़ा होंदा है बेटा इसनूं असीं कहिंदे हैं इनफाइनाइट, जिसनूं पंजाबी दे विच कहिंदे हैं परिभाषित नहीं।
नॉट डिफाइंड कह सकते हो तुसीं। हुण कोसेकेंट, वैसे तुहानूं इस नौवें चैप्टर दे लई बेटा ये सिर्फ साइन कोस ते टैन दे टेबल दी ही जरूरत है, बस उस तो बाद वाली चीज़ां दी जरूरत नहीं है। पर टेबल जदों असीं कर रहे हां तां उम्मीद करो सारा ही टेबल कंप्लीट कर लईए। कोसेकेंट देखो साइन दे नाल रेसीप्रोकल दा निश उल्ट क्रम, साइन दा उल्ट क्रम हुंदा है कोसेकेंट, जीरो दा उल्टा हुंदा है परिभाषित नहीं, एक बटा दो दा दो, एक बटा उल्ट क्रम करना बस, हर नू अंश विच ते अंश नू हर विच, थले लिखण दी लोड़ नहीं हुंदी, दो बटा वर्गमूल तीन ते एक दा एक ही आना है। सीकेंट कॉस दा उल्टा हुंदा है, तुसी कॉस देख सकते हो, एक दा उल्टा एक, इहदा दो बटा वर्गमूल तीन, इहदा वर्गमूल दो, इहदा दो, ते जीरो दा परिभाषित नहीं। ते कॉट वास्ते फिर टैन दा उल्टा जीरो दा परिभाषित नहीं, एक बटा वर्गमूल तीन दा वर्गमूल तीन, एक दा उल्टा एक ही हुंदा है, वर्गमूल तीन बटा एक दा एक बटा वर्गमूल तीन होएगा, ते परिभाषित नहीं दा उल्टा जीरो हो जाएगा। ते इस तरह साडा जिहड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कंप्लीट हो गया है। ये तुहानू याद करना है, मैं तुहानू फिर दस रहा कि तुसी मेन जिहड़ी कम है साइन कॉस ते टैन दे टेबल दी प्रैक्टिस करनी है, चाहे उत्थे बना के भी देख सकते हो। एक होर चीज़ बड़ा सीखनी है इस चैप्टर वास्ते, तुहानू ध्यान नाल दिखना सारे ने, अज ही देख रहे हो एक याद करना बेटा, बहुत औखा लग रहा है कि की सर ने की लिखता पी बी पी एच एच बी है ना। हुण देखो मैं तुहानू किस तरीके नाल याद कराने, पढ़ो इस नूं, ये मैं सिंपल लैंग्वेज जिद्दां तुसीं फोन ते मैसेजेस करदे हो उसी तरीके नाल लिखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कि ये लाइन तो बहुत सौखी याद कर सकते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित का देखो पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। हुण ये तुहानू याद हो गया होएगा, इसका मतलब की है कि साइन एस फोर की हुंदा है साइन हुंदा है, सी फोर कोज, टी फोर टैन, तो साइन का फॉर्मूला की हो गया है पी बटा एच। देखो मैं लिख लिया साइन थीटा का फॉर्मूला की हुंदा है पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, तो टैन का पी बटा बी। इतने पी की है, पी साडे कोल इत्थे परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे विच बेटा पी परपेंडिकुलर हुंदा है, बी बेस हुंदा है, एच हाइपोटन्यूज हुंदा है। याद रखना इस गल नूं, परपेंडिकुलर नूं असीं लंब बोलदे हाँ पंजाबी दे विच, बेस नूं असीं आधार बोलदे हाँ पंजाबी दे विच, हाइपोटन्यूज असीं करन बोलदे हाँ। तो इस तरह इन्ने एक फॉर्मूले जो असी याद कर लेने हैं, तो नौवां चैप्टर बड़े ही सौखे ढंग नाल किया जा सकता है। दोबारा सुन लो बेटा, कदे भी कोई चीज़ नीचों उपर देखी जाए तो वह निवान कौन है, उपरों नीचे देखी जाए तो वह नीचों सॉरी उपर देखी जाए तो उच्चान कौन है, तो उपरों नीवे देखी जाए तो निवान कौन है। तो टेबल तुहानू साइन कॉस ते टैन दा तो एटलीस्ट याद करना ही चाहिए है, जे याद नहीं हो रहा तो बनाना आना चाहिए जिमें कि मैं तुम्हें बनाना सिखाया है। तो एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले की एब्रीवेशन याद करके सानू पता होना चाहिए कि साइन पी बटा एच कॉस बी बटा एच तो टैन पी बटा बी होंदा है। हुण आपां सवाल शुरू करते हैं 9.1 का, तुसीं ध्यान नाल देखियो तुहानू बहुत वधिया तरीके नाल समझ आएगी। पहला क्वेश्चन बेटा, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी ते चढ़ रहा है। देखो ना तुसीं ये देखा भी होएगा पिंड दे विच, इदां आपां सड़क ते रस्सी डंडे दे नाल बन्न के जिहड़ा मदारी है वह खेड दिखाता हुंदा है रस्सी ते चढ़ के, है ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी, ये रस्सी जिहड़ी है 20 मीटर लंबी है ते चढ़ रहा है, जो पूरी तरह तनी कसी हुई है, मतलब ढिली ढिल नहीं हैगा दे विच, ते धरती दे सीधे खड़े खंभ ते शिखर नाल बन्नी हुई है, धरती दे जिहड़ा खंभा खड़ा उहदे शिखर नाल बन्नी हुई है। जेकर रस्सी धरती दे तल नाल, रस्सी धरती दे तल नाल 30 डिग्री दा कोण बनाउंदी है तां खंभे दी उचाई पता करो। असीं जिस चीज़ नूं पता करना है उस चीज़ नूं एक्स मान लैंदे हाँ। हुण एक चीज़ दा याद रखना बेटा, खंभा हमेशा सीधा खड़ा हुंदा है 90 डिग्री दा, ये मन के चलना है। तो जिहड़ा कोण तुसीं बना रहे हो धरती दे नाल, उस कोण दे बिल्कुल सामने जिहड़ी भुजा है ना वह पी हुंदी है, बस इस गल दा ध्यान रखना तुसीं। बेटा इस गल का ध्यान रखना है, जिहड़ा कोण असीं वरत रहे हां उस कोण दे सामने पी हुंदा है, टेढ़ी लाइन हमेशा एच हुंदी है, तो बाकी जिहड़ी तीजी बच गई उसनू बी किया जांदा है। ये ना कि वह हमेशा एक ही थल्ले जिहड़ा बे थल्ली लाइन हमेशा बेस हुंदी है, इदां दा गल नहीं हुंदी।
फिर भी तुम्हें याद रखना है कि तुहाडे कोल जिहड़ा कोन वरत्या जा रहा उसके सामने पी हुंदा है, टेढ़ी लाइन एच हुंदी है ते थले बेस बी हुंदा है। हुण तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें ये देखो कि तुम्हें पता की करना है, तुम्हें पी पता करना है ते किहड़ी चीज़ दित्ती गई है पी बी ते एच विचों, एच पता है, इहदा मतलब पी पता करना है एच नूं वरत के यूज़ करके। पी ते एच तुहानूं याद कराया सीगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हुण तुसीं पी ते एच दिखना कित्थे है, आ रहा पी ते आ रहा एच, इस तरीके नाल दिखना पी ते एच, इधर है इधर है या इधर है, इहदा मतलब तुसीं किहनूं वरतोंगे साइन नूं यूज़ करोंगे। हुण देखो की लिखांगे सल्यूशन दे विच, असीं लिखांगे त्रिभुज ए बी सी विच साइन थीटा, थीटा तुसीं किन्ना वरत रहे हो 30 डिग्री, बराबर पी बटा एच। साइन टी दी वैल्यू हुणे हुणे आपां टेबल दे विच सिखी सी कि 1/2 हुंदी है, पी तुहाडे कोल एक्स मन चुके हां आपां ते एच सानूं वी दिता गया है। बहुत ही सौखा सवाल है बेटा, देखो असी देख लिया कि असी पता की करना है ते सानूं दिता की है, बस उस फार्मूले नूं अप्लाई करना है। साइन टी दी वैल्यू याद कीती है, ज़्यादा टेबल बना के देख लियो, वी उपर चला गया है तो वी बटा दो बराबर रह गया है एक्स दे, दो नाल वी नूं कटांगे तो एक्स का मूल साढ़े को आ जाएगा 10 मीटर, जो कि साढ़े इस सवाल का आंसर होएगा। बेटा इंग्लिश वाले बच्चे ने इतने ए बी सी विच की थान इन ट्रैंगल ए बी सी लिखना है तो एक्स बराबर 10 मीटर इस तरीके लिखना है, बाकी सारा ही दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स ने सेम करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हें पहला सवाल समझ आया होगा, हूँ आप दूजा सवाल कर जा रहे हैं, ध्यान देखियो। दूजे सवाल च किया जा रहा है कि हनेरी आउन नाल दरख्त टुट जाता है अते टुटिया होया भाग इस तरह नाल मुड़ जाता है कि दरख्त का शिखर जमीन नूं छून लग जाता है। पहले इन्ना सवाल पढ़ के डायग्राम बना लैने आ। देखो बेटा मैं एक दरख्त बनाया है जिसनों मैं ए ते बी नाम दिता है, तूफान आन करके हनेरी करके दरख्त विचों किते भी कितों भी बिल्कुल सेंटर तो नहीं कितों भी टुट जाता है। टुटन तो बाद जो उपरला हिस्सा है मान लो सी बिंदु ते टुट गया है, जो उपरला हिस्सा है ये थले डिग जाएगा है ना, जो थले डिगया तो वो जाके जमीन ते टच कर गया मान लो डी बिंदु ते टच कर गया। लगी समझ, जिन्ना का भी क्वेश्चन पढ़िया सीगा कि हनेरी आने नाल दरख्त टुट जाता है तो टुटिया हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि दरख्त का उपरला सिरा जमीन नूं छून लग जाता है। अगे पढ़ते हाँ, अते इस दे नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदा है, जिहड़ा उपरला सिरा जमीन नाल टच करता है वह जमीन नाल किन्ने डिग्री का कोण बनाउंदा है, 30 डिग्री का कोण बना लैंदा है। अगे पढ़ते हैं, दरख्त दे आधार बिंदु की दूरी जिथे दरख्त का शिखर जमीन नूं छूंदा है 8 मीटर है। दरख्त दे आधार बिंदु की दूरी बेटा, दरख्त का आधार बिंदु जा रहा तो इस बिंदु जिथे दरख्त का उपरला सिरा जमीन नूं छूंदा है उसकी दूरी कितनी है 8 मीटर है, ये भी सानू दिता गया है। असी दरख्त की ऊंचाई पता करनी है, हुण दरख्त साढ़े को पूरा ए बी है बेटा, इस गल का ध्यान रखना है तो आप जिहड़ा हिस्सा नहीं टुटिया उसनू एक्स मान लैने तो जिहड़ा हिस्सा टुट गया है उसनू वाई मान लैने, पर ये तो टुटा हुआ हिस्सा आही थले डिग गया ना, ये जिहड़ा हिस्सा है सी तो डी तक का यह हिस्सा उही वाला तय दरख्त का, ये भी फिर की होएगा वाई दे बराबर होएगा। हुण इस गल का ध्यान रखना है, डायग्राम ना भुले, डायग्राम गलत बन गया तो सवाल पक्का ही गलत होगा। हुण ध्यान देखियो अगे की करते आपां, हुण मैं दस्सिया सी कि जिहड़ा कोण असीं वरत रहे हां उहदे बिल्कुल सामने कोण हुंदा है पी हुंदा है, टेढ़ी लाइन एच हुंदा है ते जो बच गया वह बेस बी हुंदा है। हुण तुसीं पहले ये सोच लो कि तुसीं कढ़ना की चाहते हो, एक्स पहला कढ़ीए जां वाई पहला कढ़ीए। जेकर तुसीं एक्स कढ़ना है इहदा मतलब तुसीं पी नूं कढ़ना है ते बी नूं वरत के, इस गल का ध्यान रखना है। हमेशा एक जिहड़ी चीज़ दित्ती है तो एक जिहड़ी पता करनी है उसनू देखना है, तीजे नूं असी नहीं देखना है। हुण असी पी पता करना है बी दी हेल्प नाल, देखो पी ते बी, पी ते बी ते पी ते बी बिल्कुल सही, सानू फार्मूला मिल चुका है अपना टैन दा, इस इत्थे की लिखांगे टैन 30 डिग्री बराबर पी बटा बी, टैन 30 की वैल्यू वर्ग 1/√3 असी याद की है टेबल दे विच्चों, पी असी एक्स नूं मान लिया है तो बी साढ़े कोल 8 है, तिरछी गुणा नाल एक्स का मुल कितना आ गया 8/√3 मीटर। बहुत ही सौखे ढंग असी एक्स का मुल पता कर लिया है। हुण असी फिर दोबारा इसे त्रिभुज दे विच सी ए डी दे विच
ਹੁਣ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਚ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕੋਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰੇ ਬੀ ਬਟਾ ਐਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਕੋਸ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਰਗਮੂਲ 3/2 ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8, ਐਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3y ਬਰਾਬਰੇ 16 ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ 16/ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਐਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਵਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦੋਨੇ ਜੋੜਨਗੇ। ਐਕਸ ਅਸੀਂ 8/ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਅਸੀਂ 16/ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਗਮੂਲ 3 ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ, 8 ਅਤੇ 16 ਜੋੜ ਕੇ 24 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗਮੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੇਈਕਰਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 24 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਨਾਲ 24 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 8, 8 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਦਾ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਟੈਨ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਨਾਲ ਕੋਸ ਦਾ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 2 ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਫਿਸਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਖਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਡਣ, ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਣ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਢਾਲ ਦੀ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪਲਾਂਸ ਟੂ ਇੰਸਟਾਲ 2 ਸਲਾਈਡਸ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਅ ਪਾਰਕ ਫੋਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਲੋ 5 ਈਅਰਸ ਸ਼ੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਲਾਈਡ ਉਸ ਟੋਪ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ 1.5 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਇਨਕਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 30 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਫੋਰ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 2 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, 2 ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ABC ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ DEF ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀ, ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਚ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਬੱਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧੋਲੇ। ਅਤੇ ਪੀ ਅਤੇ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਐਸ ਸਾਈਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 30 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰੇ ਪੀ ਬਟਾ ਐਚ। ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 1/2 ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਹੈ, ਅਤੇ ਐਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 1.5 ਗੁਣਾ 2, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 x 2 3 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEF ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEF ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ, ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਐਚ, ਅਤੇ ਬੇਸ ਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀ ਅਤੇ ਐਚ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਬਟਾ ਐਚ ਕੋਣ 60 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 3/2, ਅਤੇ ਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ,
तो वर्गमूल तीन वाई बराबर है छे आ गया है, तो वाई की बराबर वैल्यू आ गई छे बटा वर्गमूल तीन। मैं दस्या सी कि जेकर तुहाडे कोल वर्गमूल नीचे आ जाता तो तुसीं परिमेयीकरण जां रैशनलाइजेशन करनी होंदी है, तो छे वर्गमूल तीन बटा तीन आ गया, तीन एकम तीन, तीन दूनी छे, तो आंसर आया दो वर्गमूल तीन मीटर तुहाडा वाई का आंसर होगा। तो इस तरह असी एक्स ते वाई का मूल पता कर लिया है जो कि तिलकन पट्टियां दी उचाइयां हन। अगला सवाल ध्यान देखियो बेटा, चौथे सवाल से कह रहे जमीन के एक बिंदु तो जो मीनार के आधार तो 30 मीटर की दूरी पर है, तो इन्ना एक सुनना है जमीन के एक बिंदु लेना है जो मीनार के आधार तो 30 मीटर दूर हो। देखो बेटा ए बी एक मीनार बनाई है सीधी, आ धरती है जमीन, जमीन का एक बिंदु, जमीन के एक बिंदु तो जो मीनार के आधार तो 30 मीटर दूरी आ मीनार है, मीनार का आधार आ रहा, तो बिंदु कितनी दूर है 30 मीटर दूरी है बिंदु दी मीनार तो। मीनार के शिखर का उच्चान, उच्चान कौन का मतलब की होया कि मैं सी बिंदु तो मीनार का शिखर नू देख रहा हाँ, तो उच्चान कौन बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह असी एक उच्चान कौन बना लेना है, शिखर का उच्चान कौन 30 डिग्री है, तो इतने धरती नो 30 डिग्री का कोण बना है। मीनार की उचाई पता करनी है, एक्स का मूल पता करना है, सिंपल डायग्राम देखो असी खुद बनाया है। हुण असी त्रिभुज ए बी सी दे विच शुरू करांगे, तुहानू मैं समझाया सीगा कि कोण दे सामने पी हुंदा है, टेढ़ी लाइन एच हुंदी है, तो बेस बी हुंदा है। हुण तुसीं पी पता करना है तो बी की मदद लैनी है, तो असी याद किया होया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो इस तरह से पी ते बी सानू कितों मिल गया है टैन तो मिल गया है। तो असी इत्थे लिखांगे टैन कोण साढ़े को 30 डिग्री है, पी ते बी टैन 30 की वैल्यू 1/ वर्गमूल 3 होंदी है, पी तुहाडे कोल जिहड़ा है एक्स है, तो बी तुहाडे कोल 30 है बेटा, तिरछी गुणा तो साढ़े कोल एक्स का मुल की आ गया है 30/ वर्गमूल 3। तुहानू पता ही है कि जे वर्गमूल नीचे आ जाए तो असी उसे टाइम परिमेयीकरण जां रैशनलाइजेशन करते हाँ। 30 नू वर्गमूल 3 नाल कीता 30 वर्गमूल 3 आ गया, थले वर्गमूल 3 ते वर्गमूल 3 गुणा हुंदी है 3 बन जाता है, 3 एकम 3 3 दाया 30, ते साढ़े कोल जिहड़ा एक्स का मुल है वह 10 वर्गमूल 3 मीटर आ चुका है, जो कि इस सवाल का आंसर होएगा बेटा। इंग्लिश वाले बच्चे ने सिर्फ बहुत ही थोड़ा जहा काम है, देखो इतने इन ट्रायंगल ए बी सी लिखना होता है, ये तो हम पता लग ही गया होगा, मैंने लिखने की लोड़ नहीं है, तो इतने मीटर नू एम पा के लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। एक्स बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर लिखना होता है इंग्लिश वाले बच्चे ने, तो ये थोड़ा आंसर है। बहुत ही सौखे ढंग से सवाल कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलीवेशन, देखो एलीवेशन नीचे बनता ना, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टावर के टॉप ते ग्राउंड दे पॉइंट तो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा उपर नू जो कि 30 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखो ध्यान, जमीन तो 60 मीटर की उचाई ते एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की उचाई ते एक पतंग उड़ रही है, पतंग नाल लगे धागे नू अस्थाई रूप में जमीन के किसी बिंदु नाल बांध दिता गया है, जमीन नाल धागे का झुकाव, जमीन नाल धागे का झुकाव 60 डिग्री है, तो मन के धागे में कोई ढिल नहीं है, धागे की लंबाई पता करनी है। हुण ध्यान नाल तुसीं इह क्वेश्चन पढ़िया है, उस क्वेश्चन पढ़ के असी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हाँ। ये असी पतंग बनाई है बेटा, ये धागा है जिहड़ा जमीन के किसी बिंदु नाल बनया गया है, पतंग की उचाई बड़े धागा है, उचाई पतंग की हमेशा सीधी देखी जाती है, पतंग की उचाई 60 मीटर दी गई सी सानू, तो जिहड़ा कोण बना रहा है धागा वह है 60 डिग्री का, असी पता करना है धागे की लंबाई, एक्स पता करना है। बहुत ही सौखे ढंग नाल असी अपना डायग्राम बना लिया है कि यह पतंग उड़ रहा है धागे नाल, धागे नू जमीन नाल बनया गया है, धागे की उचाई जी है धरती तो 60 मीटर है, तो धागा जिहड़ा धरती नाल कोण 60 डिग्री का बना रहा है। तो हुण असी त्रिभुज मान लैने हैं इसनू ए, इसनू बी, तो इसनू सी, इहदा मतलब त्रिभुज ए बी सी विच हुण देखो कोण दे सामने पी है, टेढ़ी भुजा एच है, तो आ बी है, तुसी पी ते एच की वरतों करनी है। तुहानू पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले दे विच पी ते एच सानू साइन तो मिलता है, तो असी इत्थे लिखांगे साइन थीटा साढ़े कोल 60 डिग्री है, पी बटा एच, साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 असी याद की हुई है, पी साढ़े कोल बेटा 60 है, तो एच असी एक्स मनिया है, तिरछी गुणा रूल राही
वर्गमूल 3x साढ़े को 60 गुणा 2 मतलब 120 आ चुका है, तो x 120 बटा वर्गमूल 3 होएगा। नाल ही असी रैशनलाइजेशन या परिमेयीकरण करांगे जो कि 120 वर्गमूल 3 बटा 3 बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12 नाल 0 लग गई, साडा आंसर x दा 40 वर्गमूल 3 आया है जो कि इस सवाल का आंसर होएगा। बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझा सकने आ। 5 सवाल असी 9वें चैप्टर दे कर ले ने और बहुत ही सौखे सवाल जिन्हां विच इक्को ही डायग्राम बन रहा है ते असी फार्मूला लगाई जा रहे हैं। उम्मीद करना है कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आई होएगी। जेकर बेटा तुहानू समझ आई है वधिया तरीके नाल आई है तो जरूर कमेंट करो, लाइक करो वीडियो नू, ते जे मेरे चैनल नू हजे तक बेटा सबसक्राइब नहीं किया है तो जरूर सबसक्राइब कर दियो। इस नाल मेरी अगली सवालों की वीडियो तुहाडे फोन दे विच अपने आप शो हो जाएगी।